बिहार जाता हूँ, खेमकरण गया था, तिहाड़ जेल गया था अन्ना जी से मिलने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट इंसिडेंस था। मैं 16 अगस्त को मैं तिहाड़ जेल के सामने था और मैंने उन गेट पे जाके किसी से, उनके चौकीदार से पूछा कि मुझे जेल के अंदर जाना है। बोला हाँ, एक आधा किसी को थप्पड़ मार दो, आप अपने आप आ जाओगे। जब मैंने उनसे कहा कि मैं अन्ना जी पे फिल्म बना रहा हूँ और मैं वो जगह देखना चाहता हूँ जहाँ पे अन्ना जी रहे थे, आप यकीन नहीं मानेंगे, उनके सामने बड़ी इज्जत से मुझे अंदर जाके वो जगह दिखाई। तो क्योंकि ये फिल्म इतने बड़े व्यक्तित्व है कि इस व्यक्तित्व पर है कि हम इसके साथ मजाक नहीं कर सकते, तो ये डिटेल रिसर्च इसकी बहुत ज़रूरी थी। मैंने पूरी कोशिश की कि मैं इसको एज ए राइटर डिटेल रिसर्च करके और एक अन्ना जी का प्रॉपर व्यक्तित्व बाहर आए, ऐसी मैं कोशिश कर रहा हूँ। शायद भगवान का आशीर्वाद है, इतने बड़े व्यक्तित्व है, इतना बड़ा कैरेक्टर है कि उनकी पुण्याई है कि सच में मैं इतनी बड़ी जो मेरे ऊपर मतलब अन्ना जी ने आशीर्वाद रखे कि हाँ तुम ये कर सकते हो, तो उनका ही आशीर्वाद है कि मैं ये तीनों डिपार्टमेंट को अभी तक तो निभा पाया हूँ। बेसिकली इसका रिजल्ट तो ऑडियंस ही देखेगी, उन्हें वो मेरा जो मैंने जो काम किया है वो कैसा लगता है। जिस दिन ऑडियंस बोलेगी कि हाँ मैंने न्याय किया है, मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हुई। शशन, ये अन्ना जी के ऊपर एक बायोपिक बन रही है। 9 साल के अन्ना से लेकर आज तक के अन्ना का चरित्र को हमने पर्दे पर लाने की कोशिश की है। तो ये अन्ना जी का पहला ऑफिशियल और आखिरी ऑफिशियल बायोपिक, जो उनका 15 साल का मिलिट्री का जीवन दिखाया है, गांव में आने के बाद जो स्ट्रगल उन्होंने किया है वो दिखाया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है वो दिखाई है। तो हमने कोशिश किया हर चीज़ देखने। मुझे लगता है ये फिल्म बहुत से लोगों ने देखनी चाहिए। अन्ना का चरित्र इतना अच्छा है कि वो सभी को प्रेरणा देगा, मतलब मेरे लिए नहीं, अन्ना जी के लिए नहीं, ये फिल्म अपने आप के लिए देखनी चाहिए। ये आईना है, अन्ना जी का चरित्र आईना है। हम लोग कहीं तो भी ये सब बड़े बड़े कैरेक्टर्स को भूल गए। मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ा व्यक्तित्व है जो हमें एक बहुत बड़ी दिशा दे जाएगा अपनी ज़िंदगी में।